पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम है हर कदम आपके साथ। और कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज। हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज। मैं वर्तिका सक्सेना। रामनवमी पर पूरे देश में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पश्चिम बंगाल के हावड़ा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर पथराव और आगजनी की घटनाएं भी हुई। शाहजहांपुर में प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एक अनौपचारिक वार्ता के दौरान पत्रकारों के कई सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। जबकि इसी जनपद में कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल निशान लगाते हुए अडानी को मिले 20,000 करोड़ पर सरकार का जवाब मांगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरे देश में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया तथा कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस स्टेशन पर भी दंगाइयों की भीड़ ने हमला कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दंगाइयों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि रमजान के दौरान मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने शोभा यात्रा प्रतिबंधित क्षेत्र से निकाले जाने की बात कहते हुए कठोर कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए। बिना किसी जांच के मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार तुष्टीकरण की नीति अपनाना निहायत लज्जाजनक है। एक और लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई दी जाती है, वहीं एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए संवैधानिक पद पर बैठी हुई ममता बनर्जी बिना किसी जांच के एक वर्ग विशेष को दोषी करार देती हैं। वहीं इतना ही नहीं, वो ये भी कहती हैं कि रमजान के दौरान मुसलमानों को परेशान न किए जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि एक वक्तव्य ही नहीं, जांच एजेंसियों और पुलिस के लिए निर्देश है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तथा दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा पर हमला हुआ। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर वामपंथी छात्र संगठन ने हमला किया। इस दौरान दोनों संगठनों के मध्य झड़प भी हुई। विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना देकर विरोध प्रकट किया गया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। ले उसको मंदिर पहुंचा, मंदिर हटो, मंदिर पहुंचा, मंदिर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज अपने गृह नगर शाहजहांपुर पहुंचे। अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि 6 वर्षों में योगी सरकार ने यूपी का कायाकल्प किया है। आज पूरे विश्व के लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, यह कोई आम बात नहीं है। करीब 33 लाख करोड़ के MOU साइन हो रहे हैं। जितिन ने कहा कि पहले लोग सिर्फ नोएडा में निवेश करना पसंद करते थे, लेकिन अब यूपी के हर जिले में निवेश हो रहा है। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर शाहजहांपुर की मेयर सीट के चुनाव पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जनता से सीधा जुड़ाव है। शाहजहांपुर से लेकर पूरे यूपी में योजनाओं की बौछार हो रही है। शाहजहांपुर की जनता ने सभी 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाया है, तो ऐसे में शाहजहांपुर में भी विकास की गंगा बही है। निकाय चुनाव में शाहजहांपुर मेयर की रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होगी। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीटों की जीत का दावा किया है। जितिन प्रसाद ने कहा कि आने वाले चुनाव में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। आर्थिक में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश 30 लाख करोड़ के निवेश की MOU साइन हो रहे हैं। निवेशक यहाँ पे आके अपना निवेश करे, यहाँ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया, ये अब बन गया है। ये ऐसे नहीं होता है, इसलिए बहुत मेहनत से ही होती है।
जो योगी सरकार ने प्रदेश में और केंद्र में प्रधानमंत्री जी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रामीण लाभ परिवर्तन रोड रेल ब्रिजेस बिल्डिंग एक तरफ ये हो रहा है। इकोनॉमी में जो निवेश आ रहा है पहले तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में आता था, अब प्रत्येक जनपद में आ रहा है। बुंदेलखंड हो पूर्वांचल हो वहाँ पे भी निवेशक इच्छुक हैं। हम तो गए थे विदेश भी गए थे और देश में भी विभिन्न राज्यों में गए थे, सब यहाँ पे आंखें गड़ाए हुए हैं उत्तर प्रदेश। और खास बात एक और है कि सेक्टर पहले उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें दिखती बस मंत्री जी, अब सेक्टर में रिन्यूअल एनर्जी डिफेंस टेक्सटाइल एजुकेशन टेक्नोलॉजी तमाम सेक्टर में निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर आ रहा है। बहुत बड़ा फल पश्चिम बंगाल में मंत्री के रामनवमी के अवसर पर हिंसा हुई है, माता बनाने के मुख्यमंत्री ने उन्होंने एक बार नेचर दी थी व्यक्ति दूसरी तरफ हिंदू वर्ग को जरा दिया अपनी धरती पर अपनी किया बहुत महत्वपूर्ण है और ये बंगाल की जनता इसका जवाब मंत्री जी कुछ समय से देखा गया है कि बदजुबानी या क्रश्चन को लेकर के नेताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है, तो क्या मानते हैं नेताओं को अपने आचरण में किस तरीके के सुधार लाना चाहिए कि जो उनकी बदजुबानी है जिसके चलते जो राजनीति है उस पर किस तरीके सवाल ना हो सके भ्रष्टाचार को लेकर? बिल्कुल ये जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है और उस नीति को अपनाते हुए किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होगी अनियमितताएं होंगी तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो उस पर कार्रवाई। मंत्री जी योगी सरकार में भी हो रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया अभी इसके वक्त को ये लड़ाई जारी रहेगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और जो भ्रम में हैं और जो लक्ष्मण रेखा लांघेंगे उनपे भी कार्रवाई। मंत्री जी आरक्षण लागू हो गया है, नगर निकाय निगम का जो चुनाव है वो होने वाला है, क्या मेयर पे किस प्रकार से आप आंख लगाए अपनी बैठे हुए हैं क्योंकि कई वर्षों से सूखा रहा है, भाजपा सरकार क्या कामयाब होगी इन चुनावों में खासकर शाहजहांपुर में? ऐसा है मैंने पहले बताया ऐतिहासिक विजय होगी और पार्टी पूरे समय कार्य करती है, संगठन में जनता से जुड़ाव लगाव और हमें सरकार के लोग भी अपने लोगों का एक ही कर्तव्य है कि जनता की योजनाएँ और लाभ लेते हैं। और शाहजहांपुर जहाँ तक आपका सवाल जी जी यहाँ प्रयास किया गया है कि विकास के जिस तरीके से जनता ने छह सीटें विधानसभा की शाहजहांपुर की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी और वोटों की बौछार की थी, उसी तरीके से विकास की योजनाओं की भी बौछार शाहजहांपुर जिले में और जनता के लिए हो रही है और उत्तर प्रदेश भर में हो रही है। और आप देखिएगा इस बार इतिहास बदल जाएगा और यहाँ की मेयर की चीज से रिकॉर्ड मिल सके भारतीय जनता पार्टी की जीत। धन्यवाद। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों व अडानी को विदेश से मिले 20,000 करोड़ की जांच कराने की बात की गई। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के प्रभारी व पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार ने कहा कि हमारी पार्टी जोड़ने का काम करती है, हमारे नेता ने 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देश को जोड़ने का काम किया है, नफरत फैलाने वालों से समाज को सावधान रहना चाहिए। रिसेंटली न्यूज के द्वारा ये पूछे जाने पर कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम से सावरकर का विरोध कांग्रेस करती रही है लेकिन हाल ही में कांग्रेस ने ये निर्णय किया है कि हम सावरकर के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदू एजेंडा से डर कर कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है? इस पर पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार ने कहा कि इस विषय में हमें कुछ नहीं मालूम। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जनपद प्रभारी रिसाल अहमद ने कहा कि जब तक अडानी को विदेश से मिले 20,000 करोड़ रुपए की जांच नहीं कराई जाएगी, अडानी और मोदी के रिश्तों पर सरकार सफाई नहीं देगी, हमारा विरोध चलता रहेगा। रिसाल अहमद ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से निष्कासित किया गया है और हम इसका विरोध करेंगे, जनता इसका जवाब देगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता, पवन सिंह, कृष्ण विनोद मिश्रा, फुरकान अली आदि उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से कांग्रेस सावरकर जी का विरोध करती रही और उनकी निंदा भी करती रही। ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस के सामने आ गई कि निर्णय ये लिया गया कि सावरकर का विरोध करने से हम बचेंगे? अभी जल्दी भी निर्णय लिया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू एजेंडा है उससे डर करके कांग्रेस ने निर्णय लिया? नहीं नहीं, अभी सब पूरे राष्ट्रीय चैनल में प्रसारित हुआ है, पूरे राष्ट्रीय चैनल में प्रसारित हुआ है। कांग्रेस ने जो अभी जल्दी में आपकी कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है राष्ट्रीय दरबार में, वो इस देश में ऐसे भाईचारा काम है जो नफरत फैलाई जा रही है, इसे कैसे दूर किया जाए। हम सब कांग्रेस के लोग यही जनजन में जाकर वार्ता कर रहे हैं। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी दमनात्मक रवैया अपना रही है, कहीं किसी को जो विरोधी है उस पर ईडी की कार्रवाई कर दी, जो विरोधी है वे सीबीआई की कार्रवाई कर दी, यानी तमाम इनकम टैक्स की रेट, सीबीआई के रेट, ईडी की रेट, ये सब विपक्षी दलों के। विधायक जी, मेरा क्वेश्चन दूसरा है, एक सेकंड का क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें बता देता हूँ, आप मैं अपनी बात दोबारा दोहरा दूँ। मुख्य रूप से जो है हमारा इस समय एजेंडा जो देश में भ्रष्टाचार लाया गया है, जो अडानी जी 20,000 करोड़ रुपए इसलिए कांग्रेस पार्टी इसलिए दूसरे मुद्दों को निगलेक्ट कर रही है। सावरकर जी का मुद्दा इस समय नहीं है, हमारा मेन मुद्दा इस समय अडानी जी का। हमारी पार्टी के लोगों को जन जन तक पहुँचाना है कि देश के अंदर जो नफरत फैलाई गई है, जो नफरत का माहौल पैदा किया है, उसके लिए हमारे देश के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने लगभग 4,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की है और सबको सबसे यही संदेश देने का काम किया है कि भाई हमारी पार्टी जात बिरादरी को नहीं मानती, धर्म को नहीं मानती, सब एक है हमारे लिए। ज़्यादा समाज के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखे और जो नफरत फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से नफरत के अलावा कोई काम नहीं। हिंदू मुसलमान हर बात में, हिंदू मुसलमान, इसको रोकने के लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि आप लोग बूथ तक जाएं, लोगों से बात करें और जात धर्म का भेदभाव है उसे दूर करें, क्योंकि हमारे तो संविधान में भी एक यही व्यवस्था दी गई है कि चाहे जो व्यक्ति जिस चाहे जिस धर्म को माने, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और जो आपत्ति करें उसके खिलाफ़